हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीबीएसई प्राइवेट कंपार्टमेंट पत्रचार और जो सेकंड कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। और खुशखबरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। सुप्रीम कोर्ट ने विद्यार्थियों के हक में फैसला देते हुए कहा है, क्योंकि जैसे आप सभी को पता है लगातार विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहे थे कि सर, क्योंकि रिजल्ट जो है 30 सितंबर को आएगा, ऐसे में तो सभी कॉलेज के एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, हमें एडमिशन कहाँ पर लेंगे, हमें एडमिशन कहाँ मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों कल के फैसले पर पूर्ण विराम लगा दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि जो भी छात्र जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट वाले बच्चे हो, कंपार्टमेंट वाले हैं, पत्रचार वाले हैं, वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उनसे कोई भी यूनिवर्सिटी जो है किसी प्रकार के नंबर या मार्किंग सिस्टम की डिमांड नहीं करेगी और ना ही किसी प्रकार के सर्टिफिकेट की डिमांड करेगी। हाँ, जब आपका वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा और आपको वहाँ पर एक हल्फनामा देना होगा कि हम जो है एडमिशन के अगले यानी रिजल्ट के अगले हफ्ते यानी 30 सितंबर के जो रिजल्ट जारी होगा उसके अगले हफ्ते तक मार्कशीट को सबमिट कर देंगे। तो ये आपको वहाँ पर देना है हेल्पनामा और उसके बाद आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। ये सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों अपना आखिरी निर्णय सुना दिया है। तो इससे पहले जो भी छात्र छात्राएं किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में अगर दाखिला लेना चाहती थी बट उन्हें दाखिला नहीं मिल रहा था, उन्हें एडमिशन नहीं दिया जा रहा था, तो वो अब जाकर दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि हम कह सकते हैं कुछ यूनिवर्सिटी जो एडमिशन अभी क्लोज हो चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दोस्तों पहले ही ऑप्शन दिया हुआ था कि रिजल्ट अवेटेड का ऑप्शन था। तो जो भी विद्यार्थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में के लिए अप्लाई कर चुके थे, वेल एंड गुड। अगर जिन्होंने नहीं किया तो कोई बात नहीं, बहुत सी यूनिवर्सिटी और भी बाकी वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने आप मनचाहे कोर्स में दाखिला पा सकते हैं दोस्तों। तो रिजल्ट कोई रुकावट नहीं बनेगी आपकी। 30 सितंबर को रिजल्ट जारी होंगे, उसके एक हफ्ते बाद तक आपको टाइम दिया जाएगा कि अपना रिजल्ट कॉलेज में यूनिवर्सिटी में सबमिट कर सकते हैं आप लोग। तो ये दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी अपडेट थी। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर के द्वारा दोस्तों 10 सितंबर से हम एक लक्ष्य सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 के छात्रों को लेकर है। इसमें दोस्तों हम पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की कक्षाएं शुरू करेंगे और एमसीक्यू बेस पर रिलेटेड जो है जो हम क्लास शुरू करेंगे। इसमें आपको सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज करवाई जाएगी। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए, हमें ज्वाइन कीजिए और द पॉलिटिकल मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।